DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. कल से जो हमारे पास में पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उनमें से 3 पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं. कुल मिला के 5 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. इसमें 3 पॉजिटिव पेशेंट भर्ती हुए हैं. इसमें एक महिला हैं जो दरगाह बाज़ार गेट नंबर 6 के पास कोई चिल्ली ग्रांड चौक कोई मोहल्ला है चिलगोजी मोहल्ला वहाँ की निवासी हैं और पिछले काफ़ी दिनों से बीमार थी. अब वो जब भर्ती हुए तो उनको शक के बिना पर उनका टेस्ट करा तो कोरोना पॉजिटिव आया. कोरोना पॉजिटिव वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया. इसके अलावा एक बाल अपचारी कोर्ट के आदेश से जो कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि प्रत्येक कैदी का जो कि या तो जज के सामने पेश होना है या जेल में जाना है उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव करना आवश्यक है. उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है. उनको भी हमारे यहाँ भर्ती किया है. इसके अलावा एक पेशेंट जो जवाजा ब्यावर निवासी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ब्यावर से उनको यहाँ शिफ्ट किया है. तो 3 पेशेंट हमारे यहाँ जेल में भर्ती हुए हैं. एक पेशेंट केकड़ी का भी पॉजिटिव आया है लेकिन वो चूँकि ठीक रहे होंगे हमारे पास जानकारी नहीं है ठीक रहे होंगे इसलिए उनका केकड़ी में ही इलाज चल रहा है. एक पेशेंट कल रात को हमारे पास में एक शव आया. शव से मतलब ये मोहल्ला वो खटोला पोल नया बाज़ार निवासी एक महिला थी जिनको निमोनिया के लिए काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा था तो जानकारी हमको मिली. उसमें वो अल्टीमेटली वो जीवित नहीं रह पाई शांत हो गई. शक के बिना पे उनको रिलेटिव उनको यहाँ अस्पताल लेकर आए. उनके शव को उसका टेस्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव आया. तो उसके आधार पर उनका फिर नया जो कि नया बाज़ार खटोला पोल एक नया मोहल्ला था कोरोना के लिए इसलिए आज सुबह सुबह हमारी जो जे एल एन की रैपिड रिस्पॉन्स टीम वहाँ गई पूरे एरिया का और उनके सारे कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी. उसकी लिस्ट हमने CMHO को और कलेक्टर कार्यालय को दे दी है. अब वो फिर उसके बाद जो जो आवश्यक होगा उनकी सैंपलिंग करेंगे. और अभी इस वक्त हमारे पास में कोरोना पॉजिटिव वार्ड में कुल मिला के 7 पेशेंट भर्ती हैं. उसमें से एक महिला थोड़ी सी ठीक नहीं है बाकी लोग ठीक हैं. और सस्पेक्ट वार्ड में अभी हमारे पास में 25 पेशेंट भर्ती हैं लेकिन अब हमारी रिपोर्टिंग बहुत क्विक हो रही है फास्ट हो रही है तो ये टर्नओवर चलता रहता है. नेगेटिव आएंगे तो उनको अपने अपने वार्ड में भेज दिया जाएगा. पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा.